हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा पहले निकल चुका हूँ, मतलब कोचिंग के लिए भी, क्योंकि मैं यहाँ से पहले जाऊँगा सीधा बतेरो अपना सोशल ऑफिस में। मैंने आपको कल बताया ही था, तो मैं जाऊँगा यहाँ सीधा सोशल ऑफिस में और देखते हैं वो डेक्लेशन मेरे को देंगे या नहीं देंगे निकाल के, क्योंकि यहाँ वालों ने दी नहीं बैठा था अपने वालों ने। तो अब बिरारो जाके देखते हैं क्या रहेगा। तो मैं जाऊँगा वहाँ से, यहाँ से कम्बोई में, कम्बोई से फिर आगे पैदल है जहाँ मतलब बैंक बुंक है ना बिरारो में, उससे थोड़ा सा आगे है। मतलब कम्बोई से उतरने के बाद 1200 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, अगर बस हुई तो बस में जाएंगे, जैसे भी होगा। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको अपना कम्बोई स्टेशन पे। बाकी टाइम जो है वो है अभी 12 बजे हैं, 12:12 पे है, पूरे 12 बजे निकलूँ मैं। 12:12 पे कम्बोई है यहाँ से, वो 12:16 में भी 12:16 तक पहुँच जाएंगे हम, ठीक है वहाँ पे। तो उसके बाद आगे पैदल है, 15-20 मिनट आगे लगेंगे। तो जैसा भी होगा बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं सीधा कम्बोई स्टेशन पे। तो गाइस, थोड़ी सी दूर आके ना मैं घर पे वापस चला गया था, बड़ी छतरी लेके आया हूँ क्योंकि बूंदे आनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं दौड़ता दौड़ता कर गया। तो अब छतरी लेके आया हूँ, चलो यहाँ पे तो कम थी, अगर आगे जाके तेज मिल गई फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती। बाकी अब देखते हैं कम्बोई मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि 12:07 हो चुके हैं और 5 मिनट में वहाँ पहुँचना मुश्किल है अगर मैं दौड़ के जाऊँ फिर भी। बाकी देखते हैं, अगर टाइम पे पहुँच गए, बस ट्रेन मिल गई, कम्बोई मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। बैठ के सोचेंगे कि कम्बोई से कि वहीं जाना है, बिरारो जाना है या ऐसे वहीं से सीधा फिर अपना सेंटर पे। तो जो भी होएगा बताऊँगा आपको, अगर कम्बोई मिल गई तो वहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो कम्बोई वहाँ पे बिरारो में जाने का कोई फायदा नहीं है अगर लेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे गया तो कितना टाइम लग जाए। और जो है ऑफिस भी 1 बजे तक ओपन है, फिर उसके 2 बजे खुलेगा, तो इसलिए देखते हैं जो भी होएगा। तो भाई मैं इस टाइम अपना कम्बोई स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ, मतलब दूसरी वाली साइड जहाँ पे अपना अक्सर मेरे के सोशल ऑफिस है। तो वहाँ ट्रेन तो निकल चुकी है, कम्बोई निकल चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर यहाँ पे एक बार जाके आ जाते हैं, ट्राई मार लेते हैं अगर आज यहाँ बात बन जाए, नहीं फिर कल चल लेंगे। कल अपना छुट्टी है अपना कोचिंग से, तो कल अपना आराम से घूम फिर लेंगे। बाकी आज एक बार ना ट्राई मार लेते हैं, जैसा भी रहेगा देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। तो जो भी होगा दिखाते हैं, अभी बस मैं वहीं जा रहा हूँ ना सोशल ऑफिस की तरफ ही। अप्रोक्सीमेट बस मैं पहुँच चुका हूँ और देखा दो बंदे मेरे पहले लाइन में खड़े हैं, तो देखते हैं अभी क्या रहेगा। अभी मैं पहुँच तो मैं चुका ही हूँ, अपना चिट्ठी है मेरे मेरा, तो देखते हैं अंदर जाके क्या रहेगा। तो गाइस, इन्होंने मुझे अभी फिलहाल वेट करने के लिए बोला है, जो 3 दिन से बोल रहे हैं, बट आज ये कह रहे हैं कि 1:30 बजे आज ऑफिस ओपन हो जाएगा दोबारा। तो मुझे 1:30 बजे के लिए 1:30 बजे बोले इन्होंने, और मैं खड़ा हूँ बाहर इसमें वेट कर रहा हूँ, बारिश आ रखी है और पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे बारिश आ रही है। तो मैं जाता हूँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन पे, कम्बोई स्टेशन पे वहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा अपना आधा घंटे का टाइम पड़ा है तो अभी अपना थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, ठीक है।
तो गाइस फाइनली 2 बजे तक वेट करने के बाद, 2 बजे तक वेट करने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपना कोचिंग सेंटर की तरफ, क्योंकि इनके बस का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख लिया मैंने, इनको इंग्लिश आती नहीं, तो मैं कभी का कह रहा कि वेट करो वेट करो वेट करो। अब उनका ऑफिस ओपन हुआ, अभी भी कह रहा कि 20-25 मिनट वेट करो, और पता नहीं उसके बाद फिर दोबारा कह देगा भी और वेट करो। इस चक्कर में तो निकल चुका हूँ, और अब मैं जाऊँगा सीधा, मतलब छुट्टी है ब्रार ऑफिस में जाऊँगा, वहाँ देखते हैं क्या रहेगा। क्योंकि वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी इंग्लिश आती है, तो मे बी वो कुछ समझ पाएगा। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपना कोचिंग सेंटर की तरफ, तो मिलते हैं आपको अपना कोचिंग में सेंटर में पहुँचने के बाद। बाकी बारिश बंद हो चुकी है, छाता मैंने हाथ में बंद करके हाथ में रख लिया, तो मिलते हैं सेंटर के बाहर ही। I got it. If you say that is in your Ishwar, it means that you are near suficientemente perto, is near you, that you, so you have to know what is this, unless that you don't know what is this, because you never seen it. Volte sempre. Era esqueci para perguntar estes contribuinte. Yeah. This miss, the miss could speak many things with you, okay? Aqui está, muito obrigada, volte sempre. And Chatain, obrigado. É bom trabalho. Bom trabalho. Obrigado. Você é muito bonita. E bom trabalho. Bonita. तो भाई क्लास सिर्फ जाने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ अपना घर के लिए, तो अब मिलते हैं अपना घर पे। बाकी अब क्लास इधर है 4-5 दिन बाद, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट डे जो कोचिंग पे अपना टेस्ट है, तो देखते हैं क्या रहेगा टेस्ट में। तो मिलते हैं हम घर पहुंचने के बाद, ठीक है। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपना घर पे, और घर पे आने के बाद थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद रोटी खा लेंगे। रोटी पड़ी है तो मेरे भाई ने खिलाई थी, तो रोटियां पड़ी हैं तो रोटी खा लेंगे। तो मिलते हैं अब आपको बाद में, खाना वाना खा के रोटी वोटी खा के फिर रात को बनानी है। तो फाइनली गाइज अपना खाना खुना बना के खाने के बाद हम बैठ चुके हैं अपना बेड पे, और अब सोने की तैयारी। पहले कर लेते हैं वीडियो को एडिटिंग, जो भी हम वीडियो जो भी ब्लॉग डालना है वीडियो भी करते हैं एडिटिंग। तो आज के लिए अपना इतना ही था, ठीक है। तो बाकी कल जाना है मैंने अपना ब्रैरो वाले ऑफिस में, सोशल ऑफिस में, यहाँ पे मैं 3 दिन जाके देख लिया कुछ नहीं बना, तो मैं जाऊँगा कल ब्रैरो ऑफिस में, तो देखते हैं क्या रहेगा वहाँ पे जाके। तो अब मिलते हैं उसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।